हेलो दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम बता दें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है? ये जो गेज देख रहे हैं इसका क्या उपयोग है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज? तो ये जो गेज है इसे हम फीलर गेज कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए। इसका प्रयोग जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये फिलर गेज होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का क्या नाम है? ठीक है, इस रेती का क्या नाम है? ये जो है फाइल है, रेती हम जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किसी भी धातु के टुकड़ा को या धातु को घिसने के लिए किया जाता है। फाइल का प्रयोग धातु को घिसने के लिए किया जाता है, वो लोहा हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो या कोई भी धातु हो, तो धातु को घिसने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आप फाइल देख रहे हैं ये रास्प कट फाइल है, ये रास्प कट फाइल है। इसका प्रयोग लकड़ी के काम में किया जाता है, रास्प कट फाइल है, इसका प्रयोग लकड़ी के काम में किया जाता है, लकड़ी के कार्य करने के लिए। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट में क्या होता है, आपका ऐसे रहेगा और ये आपका ऐसे कटा हुआ रहेगा रेती में। ठीक है, तो ये जो ऐसे कटा हुआ रहता है, ऐसे जो कटा हुआ रहता है ये सिंगल कट हो जाता है। डबल कट में यही क्या हो जाएगा, आपका ऐसे ऐसे कटा हुआ रहेगा, ये डबल कट हो जाता है। सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, करो कट हो जाता है, गोल गोल रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये क्या है, रास्प कट फाइल है। ठीक है, समझ गए, रास्प कट फाइल है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? ये जो आप टूल देख रहे हैं इसका क्या नाम है? ये जो आप टूल देख रहे हैं इसका क्या नाम है? ठीक है, डिवाइडर, ये डिवाइडर नहीं होता है, डिवाइडर का जो सुई होता है वो ऐसे एकदम सीधा रहता है, ये सीधा रहता है, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डिवाइडर नहीं है। इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, तो देखिए कैलिपर जो होता है इनसाइड और आउटसाइड, तो एक सेम ऐसा ही होता है, मगर ये आपका ऐसे हो जाता है, एक रहता है। एक ऐसे रहता है कैलिपर में, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, ये ऐसे रहता है। ठीक है, एक ऐसे रहता है, तो इन दोनों में इनसाइड कैलिपर कौन है, आउटसाइड कैलिपर कौन है, ये हमें जानना है। तो देखिए, जो जॉब के अंदर का माप रहा है, जैसे कि ये जॉब हो गया, ये कोई भी जॉब है, ये इन दोनों के बीच की दूरी को माप रहा है, अंदर की दूरी को माप रहा है, तो ये हो गया इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। और ये देखिए, ये क्या करता है, आपका जॉब के बाहर, जैसे कि आपका ये जॉब हो गया ना, ये ऐसे है, ये क्या होता है, ऐसे रहेगा, ये फैल जाता है। ठीक है, और ये आपका जॉब हो गया, तो ये ऐसे मापता है। ठीक है, ये जॉब है तो इसका ऐसे मापेगा, तो ये जो होता है ये आउटसाइड कहलाता है, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो ये इनसाइड कैलिपर है, तो हमारा जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर होता है, ये पहले आउटसाइड बोल रहे हैं, सॉरी,
ये इनसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर, ठीक है, इनसाइड कैलिपर है। और इसका ये जो कोना मुड़ा हुआ है, नीचे वाला सिरा, ये 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ रहता है। ये 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ रहता है इनसाइड कैलिपर का जो भुजा है, ठीक है। और ये स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग दिया हुआ है तो ये स्प्रिंग वाला है, एक बिना स्प्रिंग वाला भी आता है, ठीक है। 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, ये जॉब के आंतरिक भाग को मापता है, आउटसाइड वाला जॉब का बाहरी भाग को मापता है, ठीक है। तो ये इनसाइड कैलिपर है आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर? टिम्बर मतलब लकड़ी होता है। डिफेक्टिव स्टोरेज, दोषपूर्ण भंडारण। तो देखिए क्या होता है कि जो लकड़ी है, ये जो लकड़ी रहता है, जैसे जैसे ये सूखता है क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो वो मुड़ क्यों जाता है, ठीक है, तो कह रहा है डिफेक्टिव स्टोरेज, दोषपूर्ण भंडारण। तो भंडारण से तो नहीं सिकुड़ता है। यूनिवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ना। तो यही आंसर आपका सही होगा कि ये क्या होता है कि असमान सिकुड़ जाता है। अब मान लीजिए सब जगह एक जैसा सिकुड़ेगा तो समान रहेगा, मुड़ेगा नहीं। अब कहीं ज़्यादा सिकुड़ गया, कहीं कम सिकुड़ गया, तो क्या होगा, वो मुड़ जाता है लकड़ी। इम्प्रॉपर सीजनिंग, गलत सीजनिंग होगा तो वो पकेगा नहीं, अच्छा लकड़ी नहीं होगा, सूख जाएगा। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ ब्रांच, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो देखिए क्या होता है कि अगर पेड़ में बहुत ज़्यादा शाखा हो जाए, कहीं 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 पूरा शाखा हो जाए, तो उससे पेड़ सिकुड़ता नहीं है। उससे क्या होता है कि ये जो लकड़ी होता है ना, ये ज़्यादा शाखा वाला जो लकड़ी होगा, इसमें गांठ पड़ जाता है, ये गांठ हो जाता है, तो ये लकड़ी सही नहीं हो पाता है, इसका उपयोग करने में दिक्कत होता है, ठीक है। ये कमज़ोर हो जाता है, गांठ पड़ जाता है। इसको जब काटा जाता है अलग अलग मोटाई में, इसको जब फाड़ा जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होता है, दिक्कत होता है, ये मजबूत नहीं हो पाता है। ज़्यादा गांठ वाला जो लकड़ी है ये मजबूत नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये ऑप्शन सही होगा, असमान सिकुड़ने के कारण ऐठ जाता है, ट्विस्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये जो है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, इसके कारण क्या होता है, लकड़ी में गांठ पड़ जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाई चीजल? मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, ठीक है। तो मोटाई छेनी का प्रयोग लकड़ी में रेक्टेंगुलर होल करने के लिए किया जाता है, लकड़ी में आयताकार छिद्र करने के लिए मोटाई चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल? देखिए शीट मेटल क्या होता है, जीआई शीट होता है, गैल्वेनाइज आयरन का पतला शीट होता है, जिसका प्रयोग अलग अलग मशीन हो गया, या बॉक्स बनाने के लिए किसी भी मशीन का कवर हो गया, या कोई बॉक्स हो गया, या कोई भी उपकरण जैसे बनाया जाता है, जो भी उपकरण हो गया, ठीक है, तो वो शीट मेटल का बनाया जाता है, उसका कवर हो गया, जैसे पंखा हो गया उसका डायना बनाया जाता है, और बाकी मोटर हो गया उसमें जो कवर होता है, ठीक है, तो वो सब शीट मेटल से बनाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। देखिए क्या है कि ये शीट मेटल पतला धातु का प्लेट होता है, तो ये जो बाहरी किनारा है ये तेज मतलब धारदार होता है, जिससे अगर आपका हाथ लगता है, पैर किसी भी अगर व्यक्ति के हाथ पैर सटता है उसमें, तो कटने का डर रहता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है, मोड़ दिया जाता है, या मान लीजिए कि ये है, इसको यहाँ बीच से ऐसे मोड़ना है, तो एक स्टेक होता है, स्टेक होता है, उस अलग अलग प्रकार का स्टेक होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसको मोड़ना है तो मान लीजिए कि ऐसा स्टेक है, इसको रख के ऐसे कर दिया जाए तो धीरे धीरे मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेक होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेक अलग अलग प्रकार का होता है, जिसका प्रयोग
शीट मेटल जो भी है इसका अलग अलग आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आयताकार करना है तो अलग स्टेक है, वर्गाकार मतलब वृत्ताकार करना है तो अलग है, वर्गाकार करना है तो अलग स्टेक है, मोड़ना है तो अलग स्टेक है। तो मोड़ने के लिए हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं, स्क्वायर स्टेक मतलब हो जाएगा, वर्गाकार बनाना है तो एक ब्लो हॉर्न स्टेक आता है, उसके बाद आ जाता है वो ब्लू विवल एज स्क्वायर स्टेक। ठीक है, तो तेज धारदार को ये जो मुराव मोड़ने के लिए होता है, ये जो किनारा है इसका जो तेज है इसको मोड़ने के लिए हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। देखिए, तो जैसे कोई भी मान लीजिए कि धातु है, ठीक है, इसका ये किनारा हमको क्या करना है, वर्गाकार करना है। ठीक है, तो देखिए वेब चीजल एक होता है, तो वेब चीजल जो होता है ये जब ड्रिल किया जाता है, ये ड्रिल हो गया ना, ड्रिल कर दिया गया तो इसके ऊपर जैसे कि ये सब ये खुरदरा हो जाता है, मेटल लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वेब चीजल का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ड्रिल करने के बाद इसको जो भी इसका धातु का टुकड़ा है इसको साफ करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल आपका पतला रहता है, ठीक है, और ऐसे रहता है, मतलब इसका चौड़ाई ज़्यादा रहता है, ये ऐसे रहता है। ठीक है, समझिए, ठीक है, ये ज़्यादा ये मतलब चौलाई होता है, क्यों, क्योंकि जैसे कि कोई भी जॉब है इसमें अगर गहरा छिद्र करना है, गहरा मतलब ये गहरा लाइन बनाना है, ये ग्रुप्स काटना है, खांचा काटना है गहरा, तो क्रॉस चीजल का प्रयोग किया जाता है। हाफ राउंड चीजल जो होता है, जैसे ये है ना, तो इसको साफ करने, ये जो ग्रुप्स काट दिया गया इसको साफ करने के लिए या इसका चौलाई बढ़ाने के लिए हम हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। और डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग, ये जो आपका मटेरियल है इसका जो किनारा है इसको वर्गाकार करने के लिए किया जाता है हमारा, तो इसका आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, किस प्रकार के ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, तो डायमंड पॉइंट चीजल। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैलीपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक जॉब हो गया, ठीक है, इस पर ऐसे समानांतर लाइन हमको खींचना है, तो हम किस कैलीपर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनसाइड कैलीपर जॉब का बाहरी ये अंदर का जो होता है अंदर का दूरी मापता है, हमारा आउटसाइड बाहर का मापता है, स्प्रिंग जॉइंट भी वही कैलीपर होता है, इसमें भी इनसाइड आउटसाइड आता है, केवल स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। हमारा जो जैनी कैलीपर होता है, ये जैनी कैलीपर ऐसे एक नुकीला होता है, ये आपका ऐसे नुकीला रहता है और ये आपका ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, तो क्या किया जाता है, इसी के द्वारा जैसे कि ये जो है मान लीजिए कि हमको ये जॉब है, ये जॉब है, इस पर यहाँ लाइन खींचना है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर ये यहाँ पर रहेगा और ये जो नुकीला भाग है ये जितना आगे ले जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पकड़ लिए और ऐसे आप लेते जाइए, तो ये वाला भाग इस पर ये आगे बढ़ेगा और ये वाला भाग आपका यहाँ पर समानांतर रेखा खींच देगा। ठीक है, तो हम
क्या है कि बाहरी सिरों पर समानांतर रेखा खींचने के लिए जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बीट। इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? ठीक है, फोटो बनाना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बीट। इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? तो ये आपका फोटो नहीं है, क्वेश्चन का फिगर ये है। ठीक है, अभी ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन का फिगर ये है। तो ये जो ड्रिल बीट है इसका क्या नाम है? ठीक है, फ्लैट ड्रिल बीट, टैपर सैंक ड्रिल बीट, काउंटर सिंक बीट, स्ट्रेट सैंक बीट। ठीक है, तो ये जो ड्रिल बीट है इसे हम लोग टैपर सैंक बीट कहते हैं। टैपर सैंक ड्रिल बीट कहते हैं। ठीक है, फ्लैट ड्रिल बीट, ये आपका फ्लैट ड्रिल बीट है, फ्लैट हो गया। काउंटर सिंक, ये आपका काउंटर सिंक है, काउंटर सिंक ड्रिल बीट है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट ड्रिल बीट है, स्ट्रेट सैंक। स्ट्रेट सैंक, ठीक है। तो देखिए, ये फ्लैट ड्रिल बिट है, ये टैपर ड्रिल बिट है, ये आपका, ये क्वेश्चन क्या है? तो हमारा आंसर है टैपर सैंक ड्रिल बिट। ठीक है, तो ये है टैपर सैंक ड्रिल बिट, ये फ्लैट ड्रिल बिट है जिसका प्रयोग मुलायम धातु हो या लकड़ी हो उसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है। ये जो काउंटर सिंक ड्रिल बिट है इसका प्रयोग जैसे कि कोई ड्रिल किया हुआ है उसका मोटाई बढ़ाना है, तो ये काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है। ये स्ट्रेट सैंक है, ये भी हल्का धातु में करने के लिए, ये सीधा रहता है इसलिए इसको स्ट्रेट सैंक ड्रिल, पतला पतला छिद्र करने के लिए। ये जो है ये कम व्यास वाला, मतलब पतला पतला जो ड्रिल बिट होता है वो स्ट्रेट सैंक ड्रिल बिट होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो ड्रिल बिट है ये टैपर सैंक ड्रिल बिट है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो सामान्य उपयोग के लिए हम स्क्वायर स्टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टेक हम पहले भी बताएं कि स्टेक क्या होता है, कि शीट मेटल का जो काम किया जाता है जब, ठीक है, तो इसको मोड़ने के लिए या इसको उचित आकार देने के लिए स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर स्टेक जो वर्गाकार स्टेक होता है उसका प्रयोग सामान्य रूप से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य उपयोग है तो किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो स्क्वायर स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,